हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना होम टूर। तो चलिए अंदर चलते हैं और अंदर चल के बात करते हैं। तो अंदर चलते हैं तो यहाँ से शुरू होता है मेरा होम टूर। तो पहले मैं गेट बंद कर देती हूँ। तो अभी तो मेरा घर है ना बहुत ही ज़्यादा मैसी पड़ा हुआ है। तो मेरी एक सब्सक्राइबर ने बोला था मुझसे कि आप अपना होम टूर शेयर कीजिए। तो मैंने उससे बोला भी था कि मेरा घर बहुत ही अभी गंदा पड़ा है, मुझे उसको साफ़ सफाई पुताई वगैरह करवानी है। और जब आप पुताई उताई करवाने वाले होते हो तो थोड़े दिन के लिए छोड़ देते हो कि जाने दो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, फिर वो करना ही है एक तरीके से साफ़ सफाई। तो इधर ये यहाँ से सीढ़ियाँ हैं आप देख सकते हैं, फिर इसके बाद ये है लेट बाथ। तो इसमें तो कुछ करवाना नहीं है हमको क्योंकि इसमें पूरे में टाइल्स लगे हुए हैं। और यहाँ से फिर चलते हैं तो ये यहाँ से ये किचन की विंडो है, देख सकते हैं आप लोग। और इधर हमारा कूलर रखा रहता है। और इधर से चलेंगे तो ये जूते चप्पल की अलमारी रखी हुई है जो कि देखिए इतनी कितनी गंदी पड़ी हुई है। तो इसी तरह से हमने सारा सामान है ना इतना गड़बड़ करके रखा है। और फिर इधर चलते हैं तो ये है हमारा गेस्ट रूम समझ लीजिए, हॉल समझ लीजिए, जो भी है। और मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये हमारे पुताई के डब्बे भी अभी रखे हुए हैं, हमने लेके आए हैं। ये पुताई का ही सारा सामान रखा हुआ है यहाँ पर, ये आप लोग देख सकते हैं। पुताई वाले भैया 2 या 3 दिन में आने वाले हैं। तो इधर चलते हैं, फिर इधर इस साइड है हमारा किचन। तो ये देखिए किचन भी एकदम डिब्बे अस्त व्यस्त मिलेंगे सारे, कोई भी अपनी जगह पर नहीं है, कोई भी ठिकाने पर नहीं है। फ्रिज पे आप देखिए कितना सामान भरा हुआ है। तो इसी तरह से सारा पूरा घर हमारा बिखरा पड़ा है अभी। और ये देखिए, और हमको पुताई क्यों करवानी, आप देख सकते हैं ये दीवारों में आप देख रहे होंगे इस तरह की ये सीमन सी आ रही है, क्योंकि दूसरे का घर बना हुआ था तो इसकी वजह से उसके छत का पानी जो था वो हमारे घर में आ गया था, दीवार से उतर गया था। तो हमको इसको सबको साफ़ सफाई करवाना है, पुताई करवाना है। ऐसे ही इस तरफ की भी आप दीवार देख सकते हैं कैसी काली काली सी हो गई है, इस तरफ की भी दीवार ऐसी हो गई है। और ये देखिए तानी मस्ती कर रहे हैं, बेड पड़ा हुआ है। और इधर ये कमरे में हमने वॉलपेपर लगवा रखा था, तो इस कमरे का ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं हुआ है। तो इस कमरे का हमको नहीं करवाना है ज़्यादा कुछ भी, ये देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें वॉलपेपर लगा हुआ है तो इस कमरे का हमको कुछ भी नहीं करवाना है, बस ऊपर छत की पुताई करवाएंगे हम लोग, बाकी कुछ नहीं। अब हम लोग चलते हैं अपने सेकेंड जो मेरा बेडरूम है तो उसका भी हमको सारा कुछ काम करवाना है। तो ये देख सकते हैं आप, और ये मैंने दिखा दिया ये इस दीवार की जो कई बार मैं बैठी हूँ लाइव में तो सब लोग ये बोलते हैं कि काले काले बादल आ गए हैं, लाइट की रोशनी पड़ रही है तो काले काले बादल आ गए हैं। तो ये काले बादल है ना बारिश की वजह से आए हैं, पानी की वजह से आए हैं। और सारा कुछ घर फैला हुआ है, आप इधर देख सकते हैं अलमारी पूरी फैली पड़ी। इधर तानी ने अपना है ना रंगीन सब बना रखा है मिजाज, सब फ्लैग व्लैग बनाया, पता नहीं कौन सी कंट्री का उन्होंने फ्लैग बनाया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं पूरा घर। तो मैंने आपको होम टूर करवा दिया जो कि मैसी वाला था, और बाकी का होम टूर मैं आपको करवाऊंगी रेनोवेशन के बाद, पुताई के बाद, पूरी सफाई होने के बाद। तो ये मेरा छोटा सा आज का वीडियो था, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। और पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और जो जो बदलाव करने हैं मुझे वो भी बताइए। मेरे पर्दे मैंने इस तरह के लाई थी, ये देख सकते हैं, क्योंकि इससे मैच कर रहा था तब, ये इसे मैच कर रहा था। अब इन पर्दों को चेंज कर दो या यही बने रखो, मुझे ये पर्दे ना बहुत सुंदर लगते हैं। और ये भी मैं अगली दिवाली पर लाई थी, ये भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं दोनों, आप देख सकते हैं दोनों साइड मैंने लगा के रखे हैं। तो ये भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये मेरी सासू माँ ने बना के रखा था, और ये रही मेरी सासू माँ ऊपर जो कि अब हमारे साथ नहीं है। तो यही तक का था मेरा छोटा सा वीडियो।
उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो, भगवान जी को दिखाया नहीं मैंने, तो ये है हमारे भगवान जी की अलमारी। ये आपने कई बार देखी है आप वीडियो में, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।